हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हम पढ़ रहे हैं आपके एन क्लास फिफ्थ इंग्लिश का यूनिट नंबर टेन लेसन हु विल बी निंगदो और यह है एक मणिपुरी फोक टेल एंड दिस इज पार्ट थ्री वीडियो पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो में मैंने इसी लेसन को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ वर्ड मीनिंग के साथ एंड मॉरल ऑफ दिस टेल के साथ बहुत ही अच्छे से समझाया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो पार्ट थ्री में हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले रीडिंग इज फन क्वेश्चन नंबर वन नेम द प्लेस इन मणिपुर वेर द निंग एंड लीमा रूल्ड एंसर निंग्दो एंड लीमा रूल्ड इन द लैंड ऑफ कांग्ले पाक इन मणिपुर स्पेलिंग पे स्पेशल अटेंशन एन आई एन जी नि डी एच ओ यू निंग्दो एल ई आई लेई एम ए मा लेमा उसके बाद के ए एन जी कांग एल ई आई लेई पी ए के पाक कांग्ले पाक एंड देन एम ए एन आई मनी पी यू आर पुर मनीपुर और जो भी वर्ड्स किसी के नाम होते हैं हम उनको कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखते हैं जैसे निंग दो एन कैपिटल लीमा में एल कैपिटल कांगले पाक एक जगह का नाम है के कैपिटल एंड देन मणिपुर प्लेस का नाम है इसीलिए एम कैपिटल दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स जिसके ऊपर आपका खास ध्यान आना चाहिए देन क्वेश्चन टू वाई डेड द पीपल ऑफ कांग्ले पाक लव देयर किंग एंड क्वीन so the answer is the people of kangle park loved their king and queen because they not only loved and cared for their people but they took great care of the birds, animals and trees as well. the king and queen always wanted everyone in their kingdom should be happy and they should live in peace. so that is why king and queen were loved by all the people in their kingdom. Uske baad hai question 3. Why did the Ningdo want to choose a future king? So, the answer here is, the Ningdo wanted to choose a future king because he was now growing old and his children were now grown up to rule. पहली बात तो निंदो बूढ़े हो रहे थे और उनके जो बेटे थे स्पेशली वो बड़े हो गए थे तो इसलिए बड़े हो गए तो अब वो रूल करने के एज में पहुंच चुके थे और इसीलिए निंदो को लगा कि अब हमें फ्यूचर किंग सेलेक्ट कर लेना चाहिए देन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड द किंग वॉन्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग सो द आंसर हेयर इज द किंग वॉन्टेड टू सेलेक्ट देअर फ्यूचर किंग बाई कंड अ हॉर्स रेसिंग कॉम्पिटिशन अमंगी सन्स टू नो हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ गुड रूलर हमारी किंग एक हॉर्स रेसिंग कॉम्पिटिशन कंडक्ट करना चाहते थे ये देखने के लिए कि सबसे ज्यादा राजा बनने के लायक कौन है और इसी से वो फ्यूचर किंग को सेलेक्ट करना चाहते थे देन क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज सना तोम्बी पांच साल की छोटी सी बच्ची सना तोम्बी का नेचर कैसा था वो अंदर से कैसी थी सो द आंसर हेयर इज सना सनातोम्बी हु द डॉटर ऑफ निंगदो एंड लीमा वॉज लवली सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इनसाइड टाइप ऑफ गर्ल लवली मीन्स बहुत ही प्यारी बच्ची थी सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इंसाइट का मतलब सना का जो दिल था वो दूसरों की खुशियों से खुशी होता था और दूसरों के दर्द में खुद दर्द को फील करता था वो दूसरों की केयर करती थी बहुत ही काइंड थी ये है सॉफ्ट और ब्यूटिफुल इंसाइड होने का मतलब एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स हैव यू एवर सीन एन एनिमल और अ बर्ड इन पेन वॉट डिड यू डू क्या आपने भी अपने घर के आसपास किसी ऐसे एनिमल या फिर चिड़िया को देखा है जो सो जिसे किसी तरीके की चोट लगी हो और जिसे कुछ दर्द हो रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या किया क्या आपने कुछ किया या फिर उसे सिंपली रस्ते पे पड़े रहने दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे मेरे बचपन की एक इंसिडेंट के बारे में लिखा है एक बार मैंने एक छोटे से पपी को डॉगी के बच्चे को रस्ते पे देखा था वंस आई सॉ लिटिल पपी हिट बाई अ कार कार इतने जोर से स्पीड में चल के जा रही थी कि उसने पपी को हिट कर दिया पपी नीचे गिर गया रोने लगा चोट लग गई उसे लेकिन कार क्योंकि जल्दी में था वो निकल गया वहाँ से कोई भी निकल के पपी को देखने नहीं आया पपी स्लेक वॉज बैडली इंज्योर्ड एंड ही वॉज क्राइंग इन पेन माई मदर एंड आई ब्रॉट द पपी इनसाइड आवर होम वॉश्ड लेग्स विथ वाटर अप्लाइड मेडिसिन एंड गेव फूड फॉर हिम टू ईट एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ही वॉज रेडी अगेन टू रन तो इस तरीके से मैंने छोटे से पपी की हेल्प की वो पपी बड़ा होकर डॉग बन गया लेकिन वो फिर डेली आता था मेरे घर में और मैं उसे डेली एक चपाती खाने को दिया करती थी सो दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स गिव मी ऑल्सो अवज प्लेजर मुझे भी अच्छा लगता था ये सोच के कि चलो मैंने किसी एक जानवर की हेल्प तो की उसकी इंजरी को ठीक करने में सो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन ऑल्सो राइट एज योर आंसर उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में है लेट्स लिसन एंड टॉक क्वेश्चन वन वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया तो जैसे पार्ट वन के एक्सप्लेनेशन में ही बताया था आपको मैप दिखाया था मणिपुर इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और मणिपुर वन अमोंग द सेवन सिस्टर्स भी हम कहते हैं उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू वॉट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक मणिपुर में रहने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं सो आंसर इज दिस वन माइथेलॉन असमीज असाम में रहने वाले लोग बोलते हैं और मीजो लैंग्वेज मिजोरम में रहने वाले लोग बोलते हैं लेट इस मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग अमंग द थ्री सन्स अगर मान लीजिए सना तोम्बी नहीं होती सिर्फ राजा के तीन बेटे ही होते तो सना जाओबा सना यईमा और सना तोम्बा इन तीनों बेटों में से फ्यूचर किंग कौन सेलेक्ट हुआ होता एल्डेस्ट सन सना जाओबा ने क्या किया था ही जम्प्ट थ्रू द ट्री थ्रू समिंग का क्या मतलब होता है कि उसके आर पार चले जाना उसके बीच में से तो सना जावा ने अपना भाला उठाया था ट्री को बीच में से बड़ा सा छेद कर दिया था और फिर घोड़े पे सवार होके उसके अंदर से जाके बाहर निकल गया था तो उसने ट्री को क्या किया था उसने ट्री को हर्ट कर दिया था सना यईमा ने क्या किया था वन हु जम्प्ट ओवर द ट्री मतलब कि उसने ट्री को हर्ट नहीं किया था उसने ऊपर से जंप करके निकल गया था अपनी शानदार घुड़सवारी दिखाने के लिए तो उसने हर्ट ट्री को नहीं किया था तीसरे वाले छोटे बेटे सना ने क्या किया था द वन हु अपरूटेड द ट्री जिसने हमारे बैनियन ट्री को उसकी जड़ों से ही ऊपर उठा लिया था और अगर कोई पेड़ उसके जड़ों से रूट्स से ही बाहर आ जाता है ज़मीन के तो क्या होता है वो ट्री मर जाता है द ट्री वॉज डेड वेन सना अपरूटेड द ट्री तो इन तीनों बच्चों में से सना जाऊबा ने और सना तोम्बा ने ट्री को हर्ट कर दिया था इन्होंने ट्री की रक्षा नहीं की तो ये दोनों तो राजा बिल्कुल नहीं बन सकते थे क्योंकि हमारे निंदो और लीमा क्या सोचते थे कि लोगों की देखभाल करना केयर करना ही नहीं उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, उन्हें कोई हर्ट ना करे हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए तो ये दोनों ने जबकि हमारे बैनियन ट्री को हर्ट कर दिया था सनाटोम्बा ने तो मार ही डाला था तो इसीलिए ये दोनों किंग नहीं बन सकते थे किंग सना यईमा बन सकता था क्योंकि वो ट्री के ऊपर से चला गया था उसने ट्री को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाया था तो इसे हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे आंसर ना यमा द वन हु जम्प्ड ओवर द बनियन ट्री शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग इट इज बिकॉज ही जम्प्ड ओवर द ट्री विदाउट हर्टिंग उसके बाद है क्वेश्चन हु वॉज मेड द फ्यूचर किंग एंड वाई तो फाइनली इन तीनों को छोड़ के कौन फ्यूचर की रानी बनी और क्यों

क्वीन बन गई उसके बाद लेट अस मूव फॉरवर्ड हमारे पास नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग नंबर वन से अलाउड द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग तो मणिपुरी में हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े जैसे निंदो इसका मतलब है किंग इन इंग्लिश हिंदी में हम इसे राजा सम्राट बोलते हैं लीमा मतलब रानी इंग्लिश में जैसे बोलते हैं क्वीन मियाम को हम हिंदी में बोलते हैं प्रजा इंग्लिश में पीपल उसके बाद खोन्यांग जिसे हम इंग्लिश में बैनियन ट्री के नाम से और हिंदी में बरगद का पेड़ बोलते हैं तो इसी चीज को इन्हीं सब चीजों को आपको मदर टंग में क्या बोलते हैं आपको वो लिखना है तो ये सवाल तो आप खुद करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश हमने अपने टेक्स्ट बुक में इन सब चीजों के मतलब पढ़े हैं हमारे चैप्टर में ही लिखा है तो सबसे पहले तुंगी निंदो तुंगी दिंदो का मतलब है फ्यूचर किंग उसके बाद हमने पढ़ा था थोरो, थोरो, सभी ऑडियंस में बैठे लोग चिल्ला रहे थे जब घुड़सवार घुड़सवारी कर रहे थे राजा के तीनों बेटे और इसका मतलब था ब्रावो एक्सक्लामेटरी मार्क ब्रावो की अरे वाह अरे वाह शाबाश शाबाश फैजे फैजे इसका मतलब था वंडरफुल एंड देन शागोल थौबा नूपा जिसका मतलब था सच फाइन हॉर्समैन तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फन विथ साउंड वर्ड्स सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द नॉइज फ्रॉर विच दे स्टैंड यू यूज अ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस वेन यू से दीज वर्ड्स द वॉइस बिकम लाउडर एंड मोर फोर्सफुल तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जू व कार तो मैंने ये जब शब्द पढ़ा इसको मैंने कैसे एम्फोसाइज किया जोर से बोला जूम वेंट द कार मतलब बहुत बहुत ही स्पीड से जब कोई कार जाती है हम उसे बोलते हैं जूम करके चली गई तो वैसे ही बैंग मतलब जब कोई दरवाजे को बहुत जोर से बंद करता है तो कैसी आवाज आती है धम करके तो उसे हम बोलते हैं लिखते हैं इंग्लिश में बैंग वेंट द डोर तो इसी तरीके के कुछ नीचे साउंड्स दिए हुए हैं और आपको लिखना है कि ये साउंड कब क्रिएट होते हैं से द फॉलोइंग एंड राइट वॉट वुड मेक दीज साउंड एक्शंस तो जैसे क्लिक क्लिक का वर्ड आपने कब सुना है जब भी हम कोई फोटो खींचते हैं तो वे हेयर वी विल राइट क्लिक का साउंड का रिलेशन कैमरे के साथ है वैसे ही चिर्प चिर्प किसकी आवाज होती है चिर्प सेज द बर्ड्स Whisper का क्या मतलब होता है विस्पर मीन्स बहुत ही धीरे धीरे बोलना इतनी धीरे बोलना कि आसपास किसी को भी सुना ही ना दे एकदम धीरे धीरे आई एम टॉकिंग इन आवाज में धीमी आवाज में मैं आपको बोल रही हूँ ब्रावो किसी भी चीज को हम ब्रावो कब बोलते हैं जब कोई इंसान कोई काम बहुत अच्छी तरीके से करता है सो वेन डूइंग अ थिंग वेरी वेल वी से ब्रावो ब्रावो नेक्स्ट वर्ड इज ओह ओह अरे अरे ये क्या हो गया ओह का साउंड हम कब निकालते हैं हम अगर सरप्राइज हो जाए बर्थडे में आपको बहुत बड़ा सा गिफ्ट मिल गया तो हम क्या बोलेंगे ओ इतना बड़ा गिफ्ट डिसअपॉइंटमेंट अगर हमें किसी चीज से बहुत ही निराशा हुई आपने एग्जाम में अच्छा तो लिखा था लेकिन मार्क्स सिर्फ दो ही मिले आपको 10 में से तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हम बोलते हैं ओ, इतने कम मार्क्स आ गए मेरे उसके बाद जॉय जब हमें किसी चीज़ की खुशी होती है ओह वाह कितना अच्छा मार्क्स मिला है मुझे तो जब इस तरह के बहुत सारे इमोशंस हैं जिनको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब हम ओह का साउंड निकालते हैं उसी तरह आह का साउंड भी हम तब निकालते हैं जब हम किसी चीज़ से सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है या फिर सिंपैथी हमें किसी के ऊपर दया आती है रस्ते में किसी को चोट लग गई हमारा फ्रेंड गिर गया तो हम क्या बोलेंगे आ ah, अरे तुमको चोट लग गई है सिमिलरली हुर्रे जब हमें हमारी खुशी जाहिर करनी होती है टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस हम स्कूल में गए लास्ट पीरियड ओवर हो गया घंटी बज गई और छुट्टी हुर्रे उसके बाद अलास जब हमें किसी भी चीज की दुख हो किसी के ऊपर हमें दया आए या फिर बहुत ही बुरा कोई समाचार हमें सुनने को मिले जैसे मैंने रस्ते पे एक इंजोर्ड चिड़िया को देखा था मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन अलास इट वॉज डेड आफ्टर फ्यू डेज आई वॉज नॉट एबल टू सेव दैट बर्ड आई होप यू understood. आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला वर्ड है वंडरफुल बहुत बढ़िया टू एक्सप्रेस हैपीनेस और प्लेजर उसके बाद नीचे के तीन तो बहुत ईजी है हाई हेलो हम तब बोलते हैं जब हम किसी को ग्रीट कर रहे होते हैं उसके बाद हो टू गेट समवंस एटेंशन अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है और हम क्या बोलते हैं हो सुनो तो हम किसी का अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं तब हम बोलते हैं हो उसके बाद हप अवे आपने नर्सरी राइम तो पढ़ा है ना हॉप लिटिल जम्प लिटिली तो हॉप करने का मतलब जब हम जंप करते हैं अ साउंड अक्सप्रेस एट द टाइम ऑफ जम्पिंग सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं लैंग्वेज यूज नंबर वन रीड द लेसन केयरफुली एंड पुट अ सर्कल अराउंड ऑल द एक्शन वर्ड्स विथ ईडी एट द एंड एंड देन राइट देम इन वन कॉलम एंड दे आर प्रेजेंट फॉर्म इन अनदर वन इज डन फॉर यू तो यहाँ पे इस टेबल में एक एक्शन वर्ड लिखा है एडमिटेड एडमिटेड ये जो एक्शन वन है इसके पीछे ई डी लगा है ये देखिए ई डी इसका रूट वर्ड क्या है रूट वर्ड है एडमिट तो जैसे वर्ड्स है शाउटेड ये वर्ड आया है वर्ड शाउट से यानी कि चिल्लाना वॉकड वॉक्ट आया है वॉक से यानी कि चलना पियर्स पी आई ई आर सी ई पियर्स इसका प्रेजेंट फॉर्म है और ईडी लगाने से वो पास्ट टेंस बन जाता है हो गया अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी तो यहाँ पे इस पैसेज में हमें करेक्ट वर्ड लिखना है हमें यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस लिखा है ब्रैकेट में इनमें से जो भी करेक्ट वर्ड यहाँ पे फिट बैठता है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो उसे चूज करना है इन अ फॉरेस्ट देअर डैश अ गॉबलिन जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं किसी स्टोरी के बारे में बताते हैं यूजुअली वो हमेशा पास टेंस में ही होता है इन फॉरेस्ट एक जंगल में एक गॉबलिन रहता था अ दे नेम्ड क्रूएल वन डे ही डैश एन ओल्ड मैन तो एक दिन वो एक बूढ़े इंसान से मिला तो वो भी हम पास टेंस में ही लिखेंगे एम ई टी मेट मेट है पास मीट का ही मेट एन ओल्ड मैन द फॉरेस्ट एक बूढ़ा इंसान जो जंगल में ऐसे ही बिना किसी मतलब के चल फिर रहा था घूम रहा था उससे मिला इमीडिएटली जो गॉबलिन था क्रूएल ही डैश ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर बूढ़े इंसान के कंधे के ऊपर जंप करके आ गया तो कौन सा वर्ड होगा लीप लीप्स लेप्ट लीप मतलब जंप करके आ जाना लेफ्ट होता पास कौन सा वाला वर्ड आएगा पास वाला वर्ड आएगा एल ई एफ्ट इमीडिएटली क्रूएल लेफ्ट ऑन टू द ओल्ड मैनस शोल्डर्स एंड डैश हिम और उसे ऑर्डर किया ईडी टेंस वाला वर्ड लिखेंगे एंड ऑर्डर हिम लेट्स गो मूव फास्ट द फ्राइट एंड ओल्ड मैन डरा हुआ बूढ़ा आदमी ने क्या किया उसकी बात मान ली ही ओबेड उसने ओबे कर लिया ई डी लगा के ओ बी ई वाई ई डी ओबेड द नेस्टी गॉबलिन एंड वॉकड ऑन एज दे मूव्ड ऑन ही डैश दैट उसने ये देखा उसने ये नोटिस किया ई डी एन ओ टी आई सी ई डी ही नोटिस दैट द गॉबलिन फीट वेरी टेंडर बूढ़े इंसान ने यह नोटिस किया कि के जो पैर है वो बहुत नरम नरम से लग रहे हैं द ओल्ड मैन ओल्ड मैन ने गॉब से पूछा क्रूएल सर हाउ आर योर फीट सो सॉफ्ट एंड टेंडर क्रूएल रिप्लाइड आई हैव टेकन अ वो दैट आई विल नॉट टच द ग्राउंड विथ माई फीट टिल आई वॉश देम They soon dashed to a pool. They soon came pastels. They soon came to a pool. The goblin dashed the old man. The goblin instructed the old man to wait for him while he dashed the pools. While he entered the pool. The old man dashed to himself. He thought, old man ne socha. He thought to himself, now that the goblin has wet his feet. He does not need me. Let me run for my life, or he will surely eat me up. So the old man he ran off. R A N ran off. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया Let us see question थ्री Make a list of action words from this story. अब action word दो तरीके के होते हैं एक तो होता है रेगुलर एक्शन वर्ड और दूसरा है इ एक्शन वर्ड डिफरेंस ये है कि जो भी एक्शन वर्ड्स के पासटेंस फॉर्म में हम ईडी लगाते हैं वो रेगुलर फॉर्म होता है और जिस भी एक्शन वर्ड के पीछे हम पासटेंस में ईडी नहीं लगाते वो इेगुलर फॉर्म होता है सो इट इज वेरी ईजी टू रिकग्नाइज तो रेगुलर एक्शन वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल है ऑर्डर ऑर्डर्ड वॉक वॉकड ask, asked, instruct, instructed, move, moved, notice noticed, obey, obeyed. तो इन सब के पीछे हम ed लगा रहे हैं सो so these आर रेगुलर एक्शन वर्ड्स अब हम irregular एक्शन वर्ड्स को पढ़ेंगे जो है लीप का past tense लेफ्ट कम का past tense केम थिंक का past tense थॉट रन का past tense रैन जो भी वर्ड्स में हम पीछे ईडी नहीं लगाएंगे वो होगा ए रेगुलर एक्शन वर्ड्स अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हमारा प्रोजेक्ट वर्क सिट इन ग्रुप ऑफ फाइव नाउ ईच स्टूडेंट विल टेल अ स्टोरी एंड डिसाइड विद स्टोरी वॉज द बेस्ट एंड डिक्लेयर अर नींदो एंड लीमा ऑफ द ग्रुप ये तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खुद करना है देन नंबर टू फाइंड आउट स्टोरीज अबाउट अदर ग्रेट पीपल्स लाइव्स एंड देयर चाइल्डहुड एंड राइट दीज इन योर नोटबुक कलेक्ट एटलीस्ट टू सच स्टोरीज तो जैसे महात्मा गांधी का चाइल्ड हुड श्री विवेकानंदा का चाइल्ड किसी भी फ्रीडम फाइटर का रिलीजियस पीपल का कोई भी ब्रेव चाइल्ड एस्ट्रोनॉट या फिर आर्टिस्ट के चाइल्डहुड के बारे में अगर आपको कोई स्टोरी पता चले तो उसे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि हम सबको उनसे कुछ सीखने को मिले वी गेट सम मॉरल वैल्यूज एंड दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड एंड ऑफ दिस चैप्टर